एवरीवन, स्वागत है आपका चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडीज। जी हाँ, स्किन वाइटनिंग होम रेमेडी है, आप घर पर ही इसको तैयार कर सकते हैं। ना तो आपको मार्केट से महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। आप घर पर ही किचन के सामान से ही अपनी स्किन को निखार सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको ये होम रेमेडी लगेगी ज़रा सी भी इफेक्टिव तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी ये गेहूं के आटे की। जी हाँ, जिससे हम रोटी बनाते हैं ये वो ही गेहूं का आटा है, ये हमारी स्किन को निखारने का काम करता है। सेकंड, हमें ले लेनी है दही, एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज किया है। आपके पास जो भी एलोवेरा जेल हो आप यूज कर सकते हैं। मैंने एलोवेरा से फेशियल भी अपने चैनल पर बताया है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव फेशियल है, एक बार आप ट्राई जरूर करना। और इसमें ऐड करेंगे हम ये टमाटर। टमाटर भी हमारी स्किन को निखारने का काम करता है, इसमें भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन को फेयर बनाने का काम करती है। तो चलिए अब अपनी ये स्किन वाइटनिंग होम रेमेडी तैयार कर लेते हैं। तो ये ले लिया हमने गेहूं का आटा, इसमें ऐड करेंगे हम दही। अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूंगी एलोवेरा जेल। और लास्ट में ये कटा हुआ टमाटर। टमाटर का जूस हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो जो हमारे टमाटर बच जाएगा हमने इसको नहीं फेंकना है, लास्ट में हम इससे अपने चेहरे की मसाज करेंगे। तो इन चारों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ट्रस्ट मी गाइस, ये होम रेमेडी काफी इफेक्टिव है। जी हाँ, ये स्किन वाइटनिंग जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है ये आपकी स्किन को काफ़ी निखारेगा। अगर आपको सनटैन हो गया है तो उसको भी रिमूव करेगा और आपकी रंगत को साफ करने का काम करेगा। तो ये देखिए, अब चलिए इसको लगा लेते हैं। आप चाहे तो इस पेस्ट को फुल बॉडी पर लगा सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह ऐसे अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। हो सके तो फ्रेंड्स, आप जब भी नहाने जाए उससे 10 से 15 मिनट पहले आपको इसको लगा लेना है। आप 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पर ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये सूख जाएगा फिर हम इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। तो चलिए, अब मैं आपसे मिल लूँगी 15 मिनट के बाद। टमाटर से अपने फेस पर मसाज करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी स्किन पर से डेड सेल्स रिमूव हो जाएगी। जी हाँ, आपकी स्किन अच्छी तरह से रिपेयर हो जाएगी और अगर आपको सनटैन हुआ है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। तो आपको इसको इस तरह से पूरे फेस पर रब कर लेना है। और जो हमने ये फेस पैक लगाया है और अब इसके ऊपर हम ऐसे टमाटर रब कर रहे हैं तो हमें इसका दुगना रिजल्ट मिलेगा। तो कम से कम आपको 5 मिनट तक अपने फेस पर ऐसे टमाटर से मसाज करनी है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा और आपके फेस पर ग्लो तो आएगा ही।
तो चलिए अब फेस को कर लेते हैं वॉश। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा निखार मेरे फेस पर आया है। तो आप भी इस होम रेमेडी को ट्राई करना। जी हाँ, ये स्किन वाइटनिंग होम रेमेडी काफ़ी इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो लगी है हेल्पफुल और आपने मेरी वीडियो से कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।